मैं अरिदमन जैन, प्रेसिडेंट SS जैन सभा सिविल लाइन, आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे चारों समुदाय, जैन समुदाय लुधियाना की एक यहाँ पे मीटिंग हुई, जिसके अंदर विषय था कि हमारा जो पवित्र स्थान समेत शिखर जी है, उसकी पवित्रता और उसकी स्वतंत्रता बरकरार रखी जाए। अभी जो भी हमें पता लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी दी है कि इसको बरकरार रखा जाए, लेकिन वो हमारे हिसाब से पूरी नहीं होती। जब तक कि उसको लागू नहीं होता, जब तक कि उसका पूरा फैसला नहीं होता, तब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी। मैं जितेंद्र कुमार जैन, चेयरमैन SS जैन सभा सिविल लाइन लुधियाना। ये जो बात समेत शिखर की आ रही है, ये हमारा जो तीर्थ स्थान है लाखों वर्षों से है। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। पूरे भारत से जैन बच्चा बच्चा वहाँ जाते हैं, और दुनिया से, फौरन से जहाँ भी जैनी हैं सब यहाँ पर आते हैं। आज तक वो हमारा तीर्थ स्थान ही रहा है। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट बने या कोई दुकान खोले, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना होने देंगे। भले ही हम जैन कम हैं, मगर आज हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा है। हमने कभी किसी सरकार से कुछ मांगा नहीं है जीवन में कि हमें कोई पैसा चाहिए, मगर फिर अगर हमारे तीर्थ स्थान को वहाँ चाहेगी, हम अपनी जान भी दे देंगे। यहाँ गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा, यही मेरी विनती सबसे। बस इसी बात का ध्यान रखें, यह हमारा तीर्थ है, हमारे भगवान है वहाँ पे, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा नाम राकेश जैन है। अज जैन स्थानक सिविल लाइन लुधियाना दे विच जैन समाज के चारों संप्रदायों की मीटिंग हुई है, जिहड़ा समेत शिखर नूं लैके सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने जारी किया कि वह जिहड़ा पवित्र क्षेत्र है उसनूं टूरिज्म स्पॉट के रूप से डिवेलप करना है। तो जैन समाज ने कहा कि टूरिज्म स्पॉट के रूप से जो डिवेलप होगा तो उत्थों सारी दूजिया नॉन वेज दी दुकाना या होर जो भी दूसरे लोग भी आएंगे, साड़ी पवित्रता भंग होगी। साड़ा तीर्थ स्थान है, और जिहड़ा तीर्थ स्थान है वह टूरिज्म स्पॉट किदा हो सकता है, जबकि सरकार ने अयोध्या जी को तीर्थ स्थान घोषित किया है, वाराणसी को किया है, बादल सरकार ने अमृतसर अपने गोल्डन टैंपल को किया है। साडा भी जैन समाज का इदा ही पवित्र तीर्थ है, तो सरकार उत्थे फंड दे सकती है। तो जो फंड देने धार्मिक स्थान की तरक्की ले भी तो दे सकते हैं ना, वो विकास लिए जरूरी है, उन्होंने टूरिज्म डिपार्ट स्पॉट घोषित करके ही फंड देने हैं। जिहड़ा पहला नोटिफिकेशन होया सी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट वालों होया सी, जिहड़ा अज आई है एडवाइजरी वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वालों आई है। तो जे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट जी नोटिफिकेशन जारी करता है, उन्होंने रद्द भी उही डिपार्टमेंट उही मिनिस्ट्री कर सकती, दूजी मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। हुण ये अखां पूंझण लई अथरू जिवें किसानां नाल इदां ही लॉलीपॉप इन्हां ने दिते, बहुत किसान अड़े रहे, डटे रहे, लॉलीपॉप कोई गवर्नमेंट का स्वीकार नहीं किया, अपना संघर्ष जारी रखिया, सरकार नूं झुकना पिया। इदां ही साडी मीटिंग होई है दिल्ली दे विच, चंडीगढ़ च, हर जगह संघर्ष साडे जारी रहणगे जब तक वो सरकार ओरिजिनल नोटिफिकेशन जिहड़ा विवाद का कारण बणिया है वो वापस नहीं लै लैंदी। धन्यवाद। मैं राकेश जैन, अध्यक्ष भगवान महावीर सेवा संस्थान। आज विश्व भर में एक ही बात जैनों के मन में, हमारी जो वर्तमान सरकार है, सेंटर सरकार है, बातें तो जैन समाज के लिए बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन जब बात आती है तीर्थ स्थान की मर्यादा की, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा लॉलीपॉप देने का कार्य जो भारत सरकार कर रही है, जैन समाज उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संस्कृति धार्मिक संस्कृति है, और इस देश में विभिन्न धर्मों में बहुत महान आचार्य भगवान, तीर्थंकर परमात्मा, साधु भगवान, साध्वी भगवंत हुए हैं, जिन्होंने सदा धर्म की प्रेरणा दी है, और उनमें से जैन धर्म एक ऐसा शांत प्रिय धर्म है जो सदा शांति और आत्मिक उत्थान करने की प्रेरणा देता है। भारत में बहुत सारे जैन तीर्थ स्थित हैं, और उनमें से सबसे महान तीर्थ जो है वो श्री समेत शिखर जी और सिद्धाचल जी, दो तीर्थ हैं जो भारत की आन शान और बाण हैं। समेत शिखर तीर्थ पर जैन धर्म के वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पद प्राप्त किया है, और वो एक ऐसा पवित्र और पूजनीय स्थल है
जहाँ प्रतिवर्ष लाखों जैन जाकर अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। आज एक ज्वलंत मुद्दा जो भारत में इस तीर्थ के प्रति उठा है कि झारखंड सरकार ने उसे पर्यटन स्थल घोषित करके उसको विकसित करने का निर्णय लिया है। पर्यटन स्थल जो होता है वो मनोरंजन के लिए होता है, उसमें हर प्रकार का व्यक्ति जाएगा, उसमें शराब, मदिरा, मांस आदि और भी प्रवृत्तियां जो हैं, जो गलत, जो हमें नीचता की ओर ले जाती हैं, वो उत्पन्न होगी, उसको रोकना अनिवार्य है। और वो एक ऐसे पवित्र स्थल को तीर्थ के रूप में ही रहने का हमारा संकल्प है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सत्य की ओर चलता है, सत्य पथ पर चलता है, शांति के पथ पर चलता है। और हमें गर्व है कि आज भारत में जो 32% कर है वो जैन, जो हमारे जितने भी भारतवासी हैं वो दे रहे हैं। तो ऐसे देश के प्रति समर्पण भाव रखने वाले अगर जैन समाज और जैन धर्म के प्रति सरकार की ऐसी नीतियां रहेंगी तो निश्चित रूप में हमारा पतन, देश का पतन अवश्यमेव होगा। इसे रोकना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आज सारे भारतवर्ष में इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी रैलियां, प्रदर्शन, रोष, शांति मार्च हो रहे हैं। हमारी जो सेंट्रल सरकार है उसने झारखंड सरकार को एक ऐसा निर्देश दिया है कि इसके बारे में उचित निर्णय लेकर वो इसको जैन धर्म का पवित्र स्थल कायम रखने का प्रयास भी करें और उस पर प्रतिबद्ध होकर चलें। लेकिन जैसा प्राय होता है, जब भी कोई अच्छा कार्य करने का देश के प्रति या धर्म के प्रति कोई भी टीम हो, कोई भी संगठन हो, जब निर्णय लेता है तो सरकार उसको दबाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाती है। तो इसलिए यद्यपि परिपत्र जारी हुआ है लेकिन हमें तो क्रियान्वित निर्णय चाहिए कि उसको शीघ्र ही झारखंड सरकार और सेंट्रल सरकार ये कहे कि ये जो पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय किसी भी स्तर पर लिया गया है वो सब हम वापस लेते हैं और ये उसी तरह जैन महातीर्थ जो है बना रहेगा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। अतः मैं अनुरोध करूँगा सरकार से भी और आपसे भी, हम सजग होकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं संजय जैन, प्रधान श्री महावीर जैन युवक संघ सिविल लाइन लुधियाना। मैं सकल जैन समाज, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, सब जैनियों को एक विनती करना चाहता हूं कि आज हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। सरकार ने एक, झारखंड सरकार ने एक फैसला दिया है कि हमारे जो महातीर्थ, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है समेश शिखर जी, यहाँ पे हमारे 20 तीर्थंकर देवलोक हुए, उस स्थान को पर्यटक स्थान बनाने के लिए एक फैसला लिया गया। पर्यटक स्थान बनते ही वहाँ पे बहुत सा ऐसा कुछ होगा कि वो धार्मिक जो मान्यता है उस जगह की वो कम होगी और वो हमारे लिए एक ऐसा स्थल है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में एक बार वहाँ पे जाता, दर्शन कराता है तो उसका जीना जो है वो सफल हो जाता है। ऐसी धरती को अगर पर्यटक स्थान बना दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से उसकी जो धार्मिक मान्यता है वो बहुत कम होगी। और ये जैन समाज को इकट्ठा करने की बात है कि जैन समाज इकट्ठा होकर सरकार को ये बताए कि जो हमारी जगह धार्मिक स्थल है, जो हम जैनियों का स्थल है, उसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी लेटर निकाला है स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें उसने उसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए बोला गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस लेटर से ऊपर भी एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि ना तो ये स्थल को छेड़ा जाएगा, पवित्रता तो बनी ही रहेगी अगर इस पे और कुछ ना बने, कोई इस पे पर्यटन का किसी तरह का भी मनोरंजन का साधन वहाँ पे ना हो। और सरकार इसको आगे फ्यूचर में भी
इसको एज इट इज़ रखे तो हम इस शर्त के साथ अपना रोष वापस लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। आज सिविल लाइन स्थानक जैन समाज की चारों संस्थाओं की मीटिंग हुई, जिसमें चारों समाजें इकट्ठी हुई, जो हमारे सुमेश शिखर और पालीताना जैन तीर्थ हैं उनके ऊपर सरकार ने जो नया पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो घोषणा की है, जैन समाज उसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लुधियाना की, सारे पंजाब और सारे हिंदुस्तान की समाज की तरफ से सरकार को ये बेनती करते हैं भी इनको द्वारा पवित्र ही नहीं पूरा पवित्र स्थान घोषित किया जाए, जिससे जैन समाज जो अपना कर रही है उसको आगे जारी नहीं, तो जो हमारा प्रोटेस्ट है आगे भी जारी रहेगा। सरकार को हम बिल्कुल बड़े निर्मम भावना से ये कहते हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनको तीर्थ स्थल ही रहने दें, उनसे छेड़छाड़ ना करें।